वंदे मातरम, जय मां भारती। हिंदुवादी मित्रों को मेरा हृदय से आशीर्वाद। चुनाव का मामला माहौल सामने आने वाला है। लोकसभा का चुनाव होगा 2019 में और इसकी रस्सी खींच जो स्पर्धा है आज से प्रारंभ हो गई, आज से नहीं चली ही रही है, 5 साल से देख रहे हैं हम। यह चुनाव महज एक व्यक्ति के खिलाफ है, किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है। और वह व्यक्ति संसार का हर व्यक्ति जानता है कि वो व्यक्ति है कौन, नरेंद्र मोदी साहब। मुसलमान विरोध करते हैं मोदी का तो बात अलग है, ईसाई मोदी का विरोध करते हैं तो बात अलग है, विपक्षी दल यदि मोदी का विरोध करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के समर्थक ही यदि, हिंदूवादी ही यदि मोदी साहब का समर्थन करने के बजाय यदि उनके टांगे खींचते हैं तो यह निश्चित रूप से अपमानजनक स्थिति है हमारे हिंदुत्व के लिए। एक कहानी सुनी मैंने, एक केकड़ा होता है, उसे बर्तन में डाल दो और 4 केकड़े उसके अंदर डाल दो, एक भी केकड़ा ऊपर नहीं पहुंच पाता, क्योंकि जो केकड़ा ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है दूसरा केकड़ा उसके पैर खींच लेता है, उसको भी नीचे गिरा देता है। यही हम हिंदुओं की विडंबना है, यही हमारे हिंदुओं की आज की वर्तमान स्थिति है। हम समझ नहीं पा रहे हम विरोध किसका कर रहे हैं। तुम्हारे परिवार में यदि तुम्हारी माता बहने या परिवार का कोई सदस्य यदि कोई गलती करता है, त्रुटि करता है, तो आप उसको पेपरों में नहीं देते, अखबारों की सुर्खियां नहीं बनाते, सोशल मीडिया में उसके बारे में गाली गलौज नहीं करते, अनर्गल शब्दों का प्रयोग नहीं करते। मोदी साहब आज उच्च स्थान पर बैठे हैं, जब वो सीएम थे उन्होंने कहा भी था कि पाकिस्तान को उनकी भाषा में जवाब दिया जाएगा, लेकिन आज पीएम है। पीएम और सीएम में बहुत बड़ा अंतर होता है, इंटरनेशनल दबाव होता है, एक नीति होती है और उसका सामना करना पड़ता है। यह नहीं कि वो पीएम बन गया और डाल दिया बम और पाकिस्तान खत्म हो गया। अरे पाकिस्तानी तो हमारे देश में ही पनप रहे हैं, जो उनके खिलाफ बोलता है, जो उनके खिलाफ जहर उगलता है, वह हिंदू कैसे हो सकता है? 70 साल बेमानी से राज करने वाले उस कांग्रेस की तरफ आप दृष्टि नहीं डालोगे और 4 साल 3 साल की महज सत्ता पाने वाले उस व्यक्ति के ऊपर कटाक्ष करोगे, गालियां दोगे, उसके टांगे खींचोगे, तो समझ लीजिए कि आप क्या कर रहे हो। आप स्वयं का तो पतन करोगे, राष्ट्र का पतन भी कर दोगे, हिंदुत्व का पतन करोगे। मैं क्या कहना चाहता हूं समझो, ना मुझे कुछ मिलने वाला है ना आपको कुछ मिलने वाला, लेकिन हिंदू राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तो आप सुरक्षित रहोगे। मोदी साहब एक सन्यासी तो है, कौन सी उसकी औलादे है, कौन सी उसकी प्रॉपर्टी है, खुद के लिए कर क्या रहा है? बड़ा सूट पहन लिया तो मोदी ने यह सूट पहना, अरे तुम क्या उसे नंगा रहने दोगे मेरे जैसा? मोदी मशरूम खाता है, गोरा हो जाता है, ऐसे तो पागलों जैसे बयान आते हैं लोगों के। जो ऐसे पागलों जैसे बयान देते हैं उनको चौराहे पर पत्थरों से पीट देना चाहिए। मैं एक सन्यासी हूं, पीड़ा अंतर पीड़ा एक्सपोर्ट कर जाती है, इसीलिए इन शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। अभी तो महज मैं कभी भी विकृत और विकराल शब्दों का प्रयोग किया नहीं है, यदि मैं करूं तो मुझे विश्वास है, यकीन है कि मेरे स्पीच सुनते सुनते ही कुछ लोग बेहोश हो जाओगे, हो जाएंगे, लेकिन मैं ऐसे स्थिति आने नहीं दूंगा। जासूसी से काम होता है, वह तलवार का प्रयोग मैं नहीं करता। बस मैं इतना ही कहूं कि हिंदुत्व को यदि सुरक्षित रखना है तो हिंदुत्व की परिभाषा को पहले समझो। अपना विधवा विलाप, विधवा आलाप मत सुनाइए दूसरों को। आपकी बातों में और आपकी बातों से प्रभावित हम नहीं हो सकते। घर के परिवार के सदस्य की निंदा करके आप दूसरों के प्रशंसा के भागीदार यदि बनते हो तो जो आपकी प्रशंसा कर रहा है वो कल आपकी हत्या भी कर देगा। जयचंद, कोई अपने बेटों का नाम जयचंद जल्दी नहीं रखता। पृथ्वीराज चौहान को मारने के लिए मोहम्मद घोरी के साथ हाथ मिलाया और उसी मोहम्मद घोरी ने उससे जयचंद का सर काट करके फेंक दिया। आप किसके साथ हाथ मिला रहे हो? आप किसके लिए हिंदुत्व का एजेंडा लेकर के चल रहे हो? जो हिंदुत्व को नहीं समझा उसके लिए क्या बोला जाएगा? जली किधर है, दुखी किधर है, बताया किधर जा रहा है? मोदी साहब ने आपकी नाक पकड़ के रखी है, ना खुद कमाने वाला है, उसे जरूरत नहीं है, लेकिन आपको जरूरत है, इसी वजह से आप पीड़ित हो गए हो। इस पीड़ा से उभरो। वो नीरव मोदी कांड करके गया 2006 से और आज यदि उसका कांड बाहर आता है तो भाजपा दोषी। रास्ते में चलते हुए आपको अचानक छींक आ जाए तो प्रदूषण के लिए आप मोदी को दोषी ठहरा दोगे। आपकी गाड़ी पंचर हो गई, खिल्ला घुस गया उसमें, तो आप मोदी को जिम्मेदार ठहरा दोगे। बुखार आ गया आपको तो आप मोदी को जिम्मेदार ठहरा दोगे।
चुनाव में स्पष्ट बहुमत आता है तो ईवीएम में गड़बड़ी, और चुनाव में हार गए या सीटें कम आ गई तो मोदी लहर खत्म। इस तरह से तो तुम मोदी के पीछे पड़े हुए हो। लेकिन एक बात सत्य है, जिसके पीछे तुम पड़ जाते हो वह नीचे कभी नहीं आता, वो ऊपर चढ़ता है। देश के लिए कौन क्या करता है और किसने क्या किया यह देश की जनता जानती है, और जानने के बावजूद भी यदि मोदी साहब नीचे गिर जाते हैं तो समझ लीजिए कि यह हार उस व्यक्ति की नहीं है, यह हार आपकी है, हमारी, हम सब हिंदुस्तानियों की है, हिंदुओं की है। हिंदू आपस में ही लड़ाइयां लड़ करके स्वयं को भी कमजोर कर रहा है और दूसरों को भी कमजोर कर रहा है, और जो विरोधी है उनके पक्ष को संबल दे रहा है। मूर्खता है यह। यदि हिंदू राष्ट्र की नींव को सुरक्षित रखना है तो मोदी साहब का विरोध बंद कर दीजिए, इसी में आपका हित है। देश का राजा होता है ना, वह छोटी छोटी बातों तक नहीं पहुंच पाता। कई लोग नाराज है मोदी साहब से, किसी को मोदी के दर्शन नहीं हुए तो नाराज, किसी के पास मोदी की चिट्ठी पहुंचने के बाद जवाब नहीं आया तो नाराज, किसी को टिकट नहीं मिला तो नाराज, कोई चुनाव में टिकट मिलने के बाद भी हार गया तो बोले नाराज, वो बोलता है कि मुझे मोदी साहब ने जानबूझ करके हराया, टिकट तो दे दिया। ऐसे मूर्ख है हमारे। अब भारतीय जनता पार्टी की कोई जूही रूही क्या मालूम, मैं तो नाम मुझे याद नहीं, पश्चिम बंगाल में कोई अपहरण कांड हुआ, बच्चों को बेचा गया, फलाना ढीकना, बीजेपी की नेता गिरफ्तार। कौन सी नेता है वो, कौन से मंत्री है, कौन से विस्तार से वो मंत्री है? मीडिया वालों को कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन वो बात को बड़ा चढ़ा करके लिखते हैं। उस मीडिया वालों का शिकार मैं भी रहा हूं, मेरे से इंटरव्यू लिया कुछ और बताया कुछ, मेरे से पूछा गया कुछ और बताया गया कुछ, सूर्य सागर बंदूक चला रहा है, उस वीडियो को अपलोड कर दिया। अरे मूर्खो, यदि मैं दावा ठोक देता आपके तरफ तो जेल की चक्की पिसवा देता, क्योंकि मेरे पास पुख्ता सबूत है कि वो बंदूक मेरा है भी या नहीं, तो जो भी बातें हैं, लेकिन मैं इस बातों को तवज्जो नहीं देता। जब भी कोई देशभक्त आवाज उठाएगा तो उसकी आवाज दबाने के लिए आप ही कारगर सिद्ध हो जाते। चंद्रशेखर आजाद कानपुर में मारा गया और उसकी खबर देने वाला हिंदू था। कई ऐसी घटनाएं घटी है, हिंदू ही जयचंद बने, हिंदू ही हमारे घर के दोगले बने, और इसी हिंदुओं के कारण दूसरा हिंदू बर्बाद बदनाम हो रहा है और हमारे हिंदुस्तान को खोखला कर रहा है। हिंदुओं जागृत हो जाओ, नहीं तो मर जाओ चुल्लू भर पानी में, सुधर जाओ वरना मुसलमान बना दिए जाओगे, ईसाई बन जाओगे। ज्यादा देर नहीं है आपके पास, समझ लो, वर्तमान की स्थिति को समझो, अन्यथा डूबना तय है आपका। जय पारसनाथ, जय मां भारती, बंद करो भाई।